वेलकम बैक टू अ न्यू लेसन गाइज, दिस इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कनेक्शन। गाइज, आज की ये वीडियो भी सीरीज का ही पार्ट है और आज आप सीखने वाले हैं नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में। तो गाइज, इससे पहले जो वीडियो आई थी वो थी पार्ट वन, जिसमें आपने सीखा फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या अंतर है, क्लॉजेस कितने तरीके के होते हैं, लेकिन वो मैं फिर से यहाँ बताना चाहूंगी। तो क्लॉजेस होते हैं दो तरीके के, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यहां तक क्लियर आपके लिए? अब जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें तीन पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज नंबर वन, नंबर टू एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे कि रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, जिसे कि एडवर्बियल क्लॉज भी कहा जाता है। यहाँ तक सीखा आपने पार्ट वन में। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन तीनों के ही बारे में, क्योंकि जब एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन दिया होता है तो वो ये होता है, कोई सेंटेंस दिया होता है और आपको बताना होता है कि इसमें जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो गाइज, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्लॉजेस को हुआ बनाया गया है, क्लॉजेस बहुत ही आसान है। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, सब कुछ समझ आ जाएगा और साथ में मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आप एक नजर में पहचान लेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो गाइस, सबसे पहले सीखेंगे नाउन क्लॉज के बारे में, लेकिन उससे भी पहले एक बात करना जरूरी है जो मैंने पार्ट वन में बताया था कि क्लॉज को कैसे पहचानते, किसी भी क्लॉज में क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। यानी कि जब भी हम क्लॉज वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो हम इसका ध्यान देंगे कि जिस चीज को हम चुन रहे हैं एज अ क्लॉज, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है, वो फ्रेज है। तो क्लॉज की बात आई, पूछा गया नाउन क्लॉज कौन सा है या फिर ये सेंटेंस में ये कौन सा क्लॉज है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब यूनिट पे ध्यान रखना होगा। अब आते हैं नाउन क्लॉज के बारे में समझते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। सबसे पहले नाउन क्लॉज को समझने के लिए पता होना चाहिए नाउन क्या है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो किसी को नाम देता है, नाम देने का काम करता है, वो होता है नाउन। अब अ नाउन क्लॉज, क्लॉज की बात करेंगे, अ नाउन क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब कि नाउन क्लॉज समझना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये पता है कि नाउन क्या है तो आप नाउन क्लॉज बड़े आराम से समझेंगे, क्योंकि नाउन क्लॉज वही काम करता है जो सेंटेंस में नाउन करता है। ठीक है, नाउन क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन, नाउन का ही रोल प्ले करता है। लेकिन क्यों फिर हम नाउन क्लॉज का यूज क्यों करते हैं? नाउन क्लॉजेस आर यूज्ड टू नेम समथिंग, जैसे नाउन नेम करता है वैसे ही नाउन क्लॉज भी, टू नेम समथिंग, इट इज यूज्ड टू नेम समथिंग। व्हेन अ सिंगल वर्ड इज नॉट इनफ, ठीक है, मतलब जब कोई एक शब्द से काम नहीं चलता तब हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं, वरना हम सिर्फ नाउन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, ही डिडंट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, ये एक सेंटेंस है, ही डिडंट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब इसमें आपको पहचानना है कि नाउन क्लॉज कौन सा है, ही डिडंट रियलाइज या फिर दैट ही वॉज लॉस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नाउन क्लॉज है वो किसके अंतर्गत आता है, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मैंने इसके पहले पार्ट वन में बताया था, डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अकेले खड़े नहीं रह सकते, यानी कि उन्हें किसी और पर डिपेंड होना होता है सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए। तो अगर मैं इसे कवर कर दूं और आप सिर्फ इतना पढ़े ही डिडंट रियलाइज, तो ये सेंटेंस पूरा लग रहा है ही डिडंट रियलाइज, लेकिन अगर मैं इसे कवर कर दूं दैट ही वॉज लॉस्ट, तो दैट ही वॉज लॉस्ट अधूरा लग रहा है। तो जो अधूरा सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको मिलेंगे तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। ये तो आपने समझ लिया कि इसमें ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ क्योंकि नाउन की बात हो रही थी नाउन क्लॉज है। तो पहले आप टिप्स को देखिए फिर हम सेंटेंसेस पे आते हैं। टू स्पॉट अ नाउन क्लॉज, जब भी आपको स्पॉट करना हो कि नाउन क्लॉज कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रख लिया किसी भी क्लॉज को समझने के लिए कि सब्जेक्ट वर्ब यूनिट हो। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, लुक फॉर द वर्ड्स, यानी कि आपको पहले इन वर्ड्स पे ध्यान देना है कि ये है क्या उसमें, वो कौन कौन से हो सकते हैं, हाउ, इफ, दैट, उसके अलावा जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जैसे हु, हुम, whoever, whomever, what, whatever, where, wherever, which,
whichever, why and whether. अब आप सोचेंगे इतना सब कैसे याद करूं, तो आप इस तरीके से याद कीजिए, how, if, that and wh words, जो wh से शुरू होते हैं. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये हैं तो सबसे पहले उसके बाद के हिस्से को हम अलग कर लेंगे. अब मैंने आपको बताया हाउ इफ दैट, तो इस सेंटेंस में आप देखिए दैट है, ठीक है, तो इसे आप भूल जाइए. यहां से लेके अंत तक का आपके लिए नाउन क्लॉज है. तो पहले तो आपने ये देखा, पहली टिप थी. टिप नंबर टू इज जस्ट आस्क व्हाट. जब आप व्हाट लगा देंगे उस सेंटेंस में तो भी आपको जवाब मिल जाएगा. पहला तरीका आपने इन वर्ड से सीखा, दैट ही वॉज लॉस्ट, ठीक है, ये हो गया नाउन क्लॉज. लेकिन अब दूसरा टिप क्या है, ये भी अगर आप पूछ लें जस्ट आस्क व्हाट, द आंसर यू गेट, जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी द नाउन क्लॉज. अब व्हाट को पूछना कैसे, ही डिडंट रियलाइज, उसके बाद ये सेंटेंस है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डिडंट ही रियलाइज, या फिर सिंपली आप इतना भी करके समझ सकते हैं ही डिडंट रियलाइज व्हाट. ठीक है, तो जवाब क्या आएगा, दैट ही वॉज लॉस्ट. तो ये आपके लिए यहां से यहां तक नाउन क्लॉज है. टिप नंबर थ्री पर भी ध्यान दीजिए, ये भी बहुत काम आने वाला है. टू कन्फर्म इफ इट इज अ नाउन क्लॉज, कन्फर्म करना है, अगर आपने देख तो लिया काफी हद तक समझ आ रहा है, लेकिन कन्फर्म करना है कि नाउन क्लॉज है या रिलेटिव है या फिर आपका एडवर्ब क्लॉज है. क्या करेंगे हम, रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन. उस क्लॉज को आप प्रोनाउन से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए. अगर मतलब निकलता है सेंटेंस का तो वो नाउन क्लॉज ही है, नो डाउट. ठीक है, अब जैसे प्रोनाउन्स क्या हो सकते हैं, सच एज ही, शी, इट, यू, दे, देयर, दैट, दैट भी एक प्रोनाउन है. तो रिप्लेस करके देखते हैं, ही डिडंट रियलाइज दैट, ही डिडंट रियलाइज दैट, यानी कि दैट ही वॉज लॉस्ट को अगर हम हटा के इसे दैट से रिप्लेस करें, ही डिडंट रियलाइज दैट, ये भी सेंटेंस पूरा लग रहा है और अर्थ निकल रहा है. ठीक है, तो ये एक नाउन क्लॉज है. मतलब आपने पहले पहचाना वर्ड से, उसके बाद आपने व्हाट करके भी पहचान सकते, फिर कंफर्म कर लिया इसे रिप्लेस करके, नाउ इट इज कंफर्म कि ये एक नाउन क्लॉज है. क्लियर ये सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस आता है, हाउ मीरा बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट. जिस तरीके से मीरा ने व्यवहार किया वो बहुत पोलाइट नहीं था, विनम्र नहीं था. सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, ये वर्ड. अब यहां देख रहे हैं, मैंने बताया था कि हाउ हो, इफ हो, दैट हो या डब्लिश वर्ड्स हो, तो है वो एक नाउन क्लॉज होगा. तो हमने देख लिया यहाँ हाउ है, हाउ मीरा बिहेव्ड. अब यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ड भी है, फिर से एक वर्ड आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे. हाउ मीरा बिहेव्ड, यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया, केवल आपको समझाना चाह रही हूँ. हाउ मीरा बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट में ये जो पार्ट है ये एक नाउन क्लॉज है. आपने पहले तो वर्ड से समझ लिया, ठीक है, क्वेश्चन करके देखे वॉट, वॉट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, क्या बहुत विनम्र नहीं था, वॉट वॉज नॉट वेरी पोलाइट. तो जवाब आया हाउ मीरा बिहेव्ड. ठीक है, तो ये एक नाउन क्लॉज है, इससे भी समझ गए. तीसरा टिप आजमाएंगे कि इसे हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, तो हम बोल सकते हैं दैट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, तो भी सेंटेंस पूरा लग रहा है, तो ये एक नाउन क्लॉज है, कन्फर्म्ड. नेक्स्ट, शी डिडंट नो व्हाई दे वर क्वारलिंग, उसे नहीं पता था कि वो क्यों झगड़ रहे थे, वे लोग क्यों झगड़ रहे थे. शी डिडंट नो, अब आपने देखा वाई, डब्ल्यू एच वर्ड, तो यहां से लेके यहां तक नाउन क्लॉज होगा. तो सिंपली आप तो इन वर्ड से ही समझ लेंगे, लेकिन आगे चल के कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी इन वर्ड्स को हम देखेंगे. तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आपके पास ये टिप्स है ना जो मैंने यहां दिए हैं. अब इसे प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, शी डिडंट नो दैट, उसे वो नहीं पता था, या फिर क्या सब कर लेते हैं, शी डिडंट नो व्हाट, या फिर व्हाट डिडंट शी नो, उसे क्या नहीं पता था, व्हाई दे वर क्वारलिंग, कि वो क्यों झगड़ रहे थे, ये बात उसे नहीं पता थी. व्हाट में भी जवाब मिल गया, इसे रिप्लेस भी कर लिया आपने दैट से. अब यहाँ जो सेंटेंसेस है वो सब दैट से ही रिप्लेस हो रहे हैं एज अ प्रोनाउन की जगह पे. यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं दैट को भी, ठीक है, दैट भी एक प्रोनाउन है. अगला सेंटेंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर यू से. तो आपने वर्ड पाया यहां से कि वॉट एवर जो है अगर लगा हुआ है तो नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि ये इससे शुरू होते हैं. वॉट एवर यू से, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. अगर आप सवाल पूछते हैं वॉट से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट, ठीक है, या फिर वॉट एम आई नॉट इंटरेस्टेड इन, तो जवाब आता है वॉट एवर यू से, जो कुछ भी तुम कह रहे हो. तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हमने कंफर्म कर लिया कि ये नाउन क्लॉज है. क्लियर, अब अगर आपके पास सेंटेंस आता है, पूछा जाता है
नाउन क्लॉज इसमें से कौन से हैं तो अब आपको पता है। और आप एक चीज का ध्यान दें, जो काम नाउन करता है वही काम नाउन क्लॉज करता है। अगर ये आपने समझ लिया सब कुछ क्लियर है। नाउन हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, नाउन हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ देखिए, हाउ मीरा बिहेव्ड, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, ये वॉज का। हाउ मीरा बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट, तो यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब यहाँ आते हैं, ही डिडंट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इस सेंटेंस में देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर यू से, यहाँ पे जो कैटेगरी है इसे कहा जाता है कि ये यूज हुआ है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। मतलब कि प्रेपोजिशन देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, इन, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इन वॉट एवर यू से। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। एक ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइस आप सीखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, जिसे कि रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं आप, या फिर एडजेक्टिवल क्लॉज भी बोला जाता है इसे, ठीक है। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन, एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब इस क्लॉज में भी आएगा एक साथ। एडजेक्टिव क्लॉजेस मॉडिफाई नाउंस एंड प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव क्लॉज को समझने से पहले एडजेक्टिव क्या करते हैं ये समझिए। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण वो होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो वही काम एडजेक्टिव क्लॉज भी करता है, लेकिन एडजेक्टिव आपको एक वर्ड का मिल सकता है और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा। तो एडजेक्टिव का ही काम ये करेंगे सेंटेंस के अंदर। And come right after the nouns. ये वन जो लिखा है, जो मैंने टिप देनी थी, टिप के हिसाब से समझिएगा कि यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Come right after the nouns they modify. मतलब कि ये ठीक उस noun या फिर pronoun के बाद आते हैं जिसको ये modify करते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस में आप आगे समझेंगे, यानी कि ठीक उसके बाद आएंगे। दे यूजली, टिप नंबर टू, बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउंस से शुरू होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और यहां मैंने देखिए कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस लिख रखे हैं। कॉमन पांच है, हु, हुम, विच, हूज एंड दैट। ये कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक रिलेटिव क्लॉज होगा। And they answer questions such as which or what type of. पिछली बार में हम क्या question पूछते थे, what, और हमें जवाब मिल जाता था noun clause में। यहाँ पूछेंगे which या फिर what type of, तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब बात आती है कि जब मैंने noun clause में कुछ words को ध्यान रखने को बोला था कि जब इस word से शुरू होगा noun clause होगा, तो ये उसी में से तो है, ये भी तो उसमें थे, who, whom, which, whose, ये भी उसमें थे। लेकिन फर्क ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टिप आपके लिए काम आएगी। दे कम राइट आफ्टर द नाउन्स दे मोडिफाई, ये उस नाउन के बाद आएंगे नाउन या प्रोनाउन के जिसके बारे में ये बता रहे हैं। अगर वहां आप ध्यान दें तो वहां आप पाएंगे कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, यानी जब सब्जेक्ट का कर रहा था तो उसकी जस्ट बात वर्ब आई हुई थी, और जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो उसके जस्ट पहले वर्ब आई हुई थी। लेकिन यहाँ क्या है कि ये नाउन के बाद आएंगे। देखिएगा, हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, दैट आपने पाया रिलेटिव क्लॉज, तो ये हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां से ये यहां तक हो गया रिलेटिव क्लॉज दैट आई लॉस्ट। कैसे समझा हमने, हैव यू सीन द बुक, क्या तुमने वो किताब देखी है, कौन सी, विच बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट आई लॉस्ट, जो खो गई है, क्या वो किताब तुमने देखी है। तो द बुक ये एक नाउन है, इसके जस्ट बाद ये क्लॉज आया दैट आई लॉस्ट। इस तरीके से आप इसे पहचान लेंगे। तो विच क्वेश्चन किया तो भी जवाब मिल गया, है ना। और ध्यान दिया कि नाउन के जस्ट बाद आया है, इसी को तो डिफाइन कर रहा है, विच बुक दैट आई लॉस्ट, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ आए यहां तक? नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। यहां भी ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, लेकिन अब इस फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड है, विच फ्रेंड यू आर टॉकिंग अबाउट, हूज सन लिव्स अब्रॉड, जिसका बेटा विदेश में रहता है। तो मैंने इससे यहां इसे डिफाइन किया, ये हूज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे समझ आ गया कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर? नेक्स्ट, मिस्टर व्यास हु इज वेरी काइंड इज माई टीचर। मिस्टर व्यास हु इज वेरी काइंड इज माई टीचर, यहाँ पे मिस्टर व्यास ये नाउन है जिसको डिफाइन कर रहा है ये क्लॉज, क्योंकि इसके बाद ये आया हुआ है, वो नहीं,
हु इज वेरी काइंड, जो बहुत ही दयालु है, इज माई टीचर, मेरे टीचर हैं। अब आप अगर एक चीज को ध्यान में रखेंगे तो दिखेगा इन यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और इनमें कॉमा नहीं लगा है, तो रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ। मीरा whom I have asked to come over is going away. मीरा जिसे कि मैंने बोला है घर आने के लिए, वो बाहर जा रही है, घूमने जा रही है, इज गोइंग अवे। तो यहाँ पे होम से शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिलेटिव क्लॉज है और इसके बाद जो आप देखेंगे वो इसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को हटा दें, इस क्लॉज को हटा दें, तो आप बोलेंगे मीरा इज गोइंग अवे, सिंपल, तब भी सेंस निकल रहा है। लेकिन आप बोलते हैं मीरा होम आई वॉज आस्ड टू कम ओवर इज गोइंग अवे, आपने बात को बढ़ाया है यहाँ पे। दैट्स द गर्ल, वो लड़की है, ये वो लड़की है, दैट्स द गर्ल हु सिट्स नेक्स्ट टू मी एट स्कूल, जो स्कूल में मेरे बगल में बैठती है। तो दैट्स द गर्ल, अब यहाँ पे इस हु से हमने आगे क्लॉज जोड़ा कि जो कि मेरे बगल में बैठी, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं उसके बारे में और बता रहे हैं, ठीक है, नाउन के बारे में। द मूवी विच इज माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम इज बीइंग शोन ऑन टीवी टुमारो नाइट। मूवी फिल्म जो कि मेरी पसंदीदा मूवी है, हमेशा मुझे पसंद आती, इज बीइंग शोन ऑन टीवी टुमारो नाइट, कल रात टीवी पर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए द मूवी को मॉडिफाई कर रहा है ये, विच इज माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, तो ये क्लॉज है एक रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रेड से जो लिखा है इज बीइंग शोन ऑन टीवी टुमारो नाइट, क्लियर यहाँ तक। अब आप ध्यान क्या देंगे कि आपने पाया कि यहाँ कॉमा लगा है और यहाँ कॉमा लगा है, बट यहाँ यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन समझिए कि अगर आप इसको हटा दें, हैव यू सीन द बुक, तो बात अधूरी है। तो ये एक ऐसा क्लॉज है जो कि जरूरी है यहाँ पे होना, इसलिए यहाँ कॉमा की नीड नहीं है, इसे हम हटाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कॉमा, अगर इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ बोले मिस्टर व्यास इज माई टीचर, तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो इसे आप हटा सकते हैं, इसलिए आपने कॉमा से इसे अलग किया है। तो ये क्लॉजेस जिनमें कॉमा नहीं लगा है ये कहलाते हैं रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और जिसमें कॉमा लगाया है हमने, यानी कि जिन्हें हटा दे तो भी सेंस निकलेगा, वो कहलाते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आप समझ पाएंगे नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो आप ध्यान दें, सबसे बड़ी पहचान रिलेटिव क्लॉजेस या फिर एडजेक्टिव क्लॉजेस की ये है कि वो उस नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आते हैं जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Now last but not least, adverb clause, जिसे कि आप adverbial clause भी बोल सकते हैं। तो जो काम adverb करता है वही काम adverb clause भी करता है किसी sentence में। Adverb क्या करता है? Adverb किसी verb की, किसी adjective की या फिर किसी adverb की भी विशेषता बताता है, यानी कि उसमें भी कुछ बढ़ा चढ़ा के वो बताता है, उसको modify करता है। तो an adverb clause plays the role of an adverb in a sentence. So, अगर आप adverb जानते हैं तो आप adverb clause को समझ लेंगे, ठीक है, adverb का ही काम करता है sentence में। Tip number one here is, it begins with a subordinating conjunction. तो वहां आपने देखा था adjective clause में कि वो relative pronoun से शुरू हो रहा था, यहाँ ये clause शुरू होता है subordinating conjunction से। subordinating conjunction क्या है part one में मैंने बताया है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, साथ ही साथ अभी मैं आपको यहाँ पर भी चार्ट जरूर दूंगी। They answer questions like how, when, where and why. तो ये जो जवाब, जैसा कि मैंने नाउन क्लॉज में बताया व्हाट पूछना है, एडजेक्टिव क्लॉज में बताया विच पूछना है या फिर व्हाट टाइप ऑफ पूछना है, उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज को कंफर्म करने के लिए आप क्या पूछेंगे, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे समझ में आएगा, लेकिन उससे भी पहले टिप नंबर टू, दे कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है या फिर सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस को देखिए आप समझ पाएंगे, आई मिस्ड द ट्रेन,
बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा। तो ये जो सेंटेंस है आप आएंगे बिकॉज क्या, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ही लिस्ट देख लेते हैं। जो टाइम को मॉडिफाई करते हैं वो है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, वंस। प्लेस को जो मॉडिफाई करते हैं वेयर, व्हेरेवर, एवरीवेयर, एनीवेयर। कंडीशन को जो बताते हैं इफ, अनलेस, वेदर और नॉट, इन द इवेंट, provided. Reason of purpose जो बताते हैं because, as, since या फिर so. जो contrast बताते हैं वो है though, although, even though, whereas, even if. Comparison या manner को जो बताते हैं like, as या फिर as dot 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 as good as, इस तरीके से आएगा, as if, the way, than. तो बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इससे आपने इसे पिक कर लिया, माय अलार्म डिडंट गो ऑफ, तो यहां से लेके यहां तक ये एक एडवर्ब क्लॉज होगा। तो एक तो आपने इससे समझा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए आपने समझ लिया। दूसरा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या, यहां आप पूछ सकते हैं आई मिस्ड द ट्रेन है तो आप पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू मिस द ट्रेन या फिर हाउ डिड यू मिस द ट्रेन, कैसे या फिर क्यों, तो जवाब आएगा बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा। तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर द चोर्स आर डन वी विल वॉच अ मूवी, घर के काम खत्म होने के बाद हम मूवी देखेंगे। तो यहाँ आप आएंगे आफ्टर, ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे शुरू हुआ, तो यहां से लेके यहां तक ये एक एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं व्हेन विल वी वॉच अ मूवी, हम मूवी कब देखेंगे, जवाब आता है आफ्टर द चोर्स आर डन, जब चोर्स पूरे हो जाएंगे। माय ब्रदर व्हेन ही इज हंग्री, मेरा भाई जब वो भूखा होता है स्टार्ट्स येलिंग, चीखना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या पाएंगे when, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब बात आती है कि when तो इससे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी था, उसके पहले नाउन के लिए भी पहचान में था, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसा मैंने बताया था नाउन में आपने देखा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था, राइट, और जब आपने देखा कि हम उसे एडजेक्टिव क्लॉज में समझ रहे थे तो वो ये क्या था कि वो नाउन के जस्ट बाद आ रहा था। ठीक है, यहाँ भी नाउन के जस्ट बाद आ रहा है, My brother when he is hungry, लेकिन एक फर्क है जिससे आप पहचान सकते हैं, वो लास्ट चीज है जो आपको करनी है। यहां से यहां तक पहले बता दो कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है, क्यों। अब देखिए यहां जो टिप आपको मैंने बताई, दे कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस, मतलब आप देखिए एंड में आया इस सेंटेंस में, बिगिनिंग में आया और इस सेंटेंस में मिडिल में आया, लेकिन एक्चुअल टिप क्या है, दे कैन बी स्विच्ड अराउंड, इन्हें हम स्विच कर सकते हैं, जो हम एडजेक्टिव क्लॉज के साथ नहीं कर सकते। एडजेक्टिव क्लॉज में हम अगर कोई क्लॉज यहाँ आया उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एडवर्ब क्लॉजेस के साथ हो सकता है, ये इसकी खास पहचान है। जब भी कंफ्यूजन हो कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है, तो आप यही कर लीजिए कि आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को स्विच कीजिए, इधर से उधर कीजिए, अगर सेंटेंस का अर्थ सही निकल रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है, वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता। देखिए हम स्विच करके ही सबसे पहले देख लेते हैं, यहां था आई मिस द ट्रेन, ये क्लॉज पहले ले आते हैं, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ आई मिस्ड द ट्रेन, तो इसका मतलब है क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा मेरी ट्रेन छूट गई, तो इसमें भी अर्थ वही निकल रहा है, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि ये जो वर्ड अगर मैच हो जाए रिलेटिव प्रोनाउन से, तो आप इस तरीके को अपनाइए। अब इसको हम पलटते हैं, इसको पहले ले आते हैं, वी विल वॉच अ मूवी आफ्टर द चोर्स आर डन, हम मूवी देखेंगे जब चोर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद, तो ये भी सेंस निकल रहा है। इसको भी आगे पीछे करते हैं, माय ब्रदर, अब इसको इसमें जोड़ देते हैं, माय ब्रदर स्टार्ट्स येलिंग, अब इसको लास्ट में ले जाते हैं, व्हेन ही इज हंग्री, मेरा भाई चीखना शुरू कर देता है जब उसे भूख लगती है। तो ये हो गया ना कि आपने इधर उधर किया, यानी कि यू स्विच्ड अराउंड, फिर भी सेंस वही निकल रहा है। तो आपने ये टिप समझी, टिप नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है राइटिंग के लिए स्पेशली, शुरू में आए, क्या शुरू में आए, एडवर्ब क्लॉज, अगर एडवर्ब क्लॉज शुरू में आए तो एक कॉमा आएगा, जैसा कि आपने यहां पे देखा, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, यहाँ कॉमा लगा हुआ है।
आफ्टर द चोर्स आर डन, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यानी कि जब भी शुरू में क्लॉज आ जाए एडवर्ब क्लॉज तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। अगर बीच में आए तो दो कॉमा कैसे, एक कॉमा फिर बीच वाली बात यानी कि क्लॉज और फिर कॉमा, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे माई ब्रदर, यहाँ बीच में आया है ना, तो यहाँ भी कॉमा, उसके बाद यहाँ भी कॉमा, हमने कॉमा से अलग किया, ठीक है। और अगर एंड में आए, एंड में जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो नो कॉमा, इसको ध्यान रखिएगा, तो नो कॉमा। अगर एडवर्ब क्लॉज लास्ट में आएगा तो कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, उसका रीजन समझ लीजिए, रटिए मत, रीजन समझिए कि जब लास्ट में आएगा तो हम इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही दोनों को जोड़ेंगे, तो बिकॉज ने इन्हें जोड़ा है इन दोनों क्लॉजेस को, है ना, तो यहाँ कॉमा की जरूरत नहीं है। इसी सेंटेंस को जब मैंने पहले किया था तो यहाँ पे कॉमा लग गया था, और यहाँ देखिए कॉमा है, लेकिन जब इसको मैं बाद में ले गई तो कॉमा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ आफ्टर आफ्टर पहले यूज हुआ, लेकिन यहाँ आफ्टर एज अ कंजंक्शन जोड़ रहा है सेंटेंसेस को, तो यहाँ कॉमा की नीड नहीं है। इसी तरीके से यहाँ यहाँ कॉमा था, लेकिन जब स्विच किया हमने तो हमने क्या देखा कि ये दोनों जुड़ गए और एक सेंटेंस एक क्लॉज जैसे लगने लगी, और फिर कॉमा की नीड नहीं है क्योंकि वन है ना इन्हें जोड़ने के लिए। तो लास्ट में आए नो कॉमा, शुरू में आए तो एक कॉमा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, और बीच में आ जाए तो आपको बीच दर्शाना ही है, तो दो कॉमा। क्लियर यहाँ तक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही साथ ये तो मैं आपको बता ही दूं गाइस कि स्क्रीनशॉट अवेलेबल होती है आपके लिए FB पे, तो वहाँ पे आप इन्हीं चीज़ों को पा सकते हैं। तो गाइज एक और छोटी सी टिप दूंगी जाते जाते, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए, जो भी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी वो इसलिए लिखी कि अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है तो आप समझिए कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, जो कि नाउन का काम करते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। इसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, और एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं। इससे आपको समझने में तो आसानी हो गई कि ये क्या है और इनका क्या रोल है सेंटेंस में, लेकिन एग्जामिनेशंस में समझने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको उसी पे रखना है जिस चीज़ से क्लॉज जुड़ती है, जो वर्ड, वो वर्ड आपने समझ लिया। अब देख रहे हैं जब दोनों में ही मैच कर रहा है तो जो एक्स्ट्रा टिप्स मैंने दी हैं वो सब आपके काम आएंगे। अब आप चुटकियों में एग्जामिनेशंस में अपने सवाल को करने वाले हैं। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, खूब फैलाइए वीडियो को, ताकि क्लॉज को लेकर जो एक मिथ बन रखा है कि बहुत बड़ा हवा है, क्लॉजेस समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल है, तो क्लॉजेस आसान है आपसे। अगर चैनल में नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना है ताकि नोटिफिकेशंस मिले आपको आगे आने वाले वीडियोस की, और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।